हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली का इंसाफ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली का कौन सा इंसाफ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द डेविल गाइस, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वैंड्स, जस्टिस। ये देखो माँ काली का कौन सा बड़ा इंसाफ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जस्टिस आ रहा है गाइस, जस्टिस किस बात को लेकर कि किसी बुरे इंसान से आपको छुटकारा मिलना गाइस। कोई ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिलना जो बिल्कुल आपकी लाइफ को कठपुतलियों की तरह शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो जैसे चाहे वो आपके साथ अन्याय कर सकता है, जैसे चाहे आपके साथ बुरा बिहेवियर कर सकता है। कोई इंसान आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है गाइस, अपनी लाइफ का नियंत्रण किसी को नहीं देना चाहते लेकिन दूसरों की लाइफ को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं गाइस। ये दूसरों को परेशान करके ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है आप लोगों से या आपसे, है ना। कहीं ना कहीं बहुत वीक इंसान है गाइस, बहुत कमज़ोर इंसान है जो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेल करना और लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है। इनके बुरे बिहेवियर को आपने बहुत तो देखा है, इनके बुरे बर्ताव को आपने बहुत देखा है। ऐसे स्वार्थी इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी रहते हैं। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बुरे कदम उठाए हैं, बहुत गलत एक्शन लिए हैं गाइस, जो कहीं ना कहीं गलत जगह पर जाते हैं या गलत डायरेक्शन में जाते हैं, जो आज नहीं तो कल इनको तकलीफ ही पहुंचाएंगे, कोई खुशी नहीं देने वाले, है ना। इनकी वजह से वाकई में लाइफ के कई सारे बुरे पैटर्न आपको देखने को मिले हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना आपने किया है बहुत ज्यादा गाइस। ये कहते हैं ना कि पूरी तरीके से किसी लाइफ को ना नियंत्रित कर देना, किसी को अपनी लाइफ का फैसला नहीं लिया देना, मतलब ये पूरी तरीके से किसी की लाइफ को कंट्रोल कर देते हैं कि कोई अपनी लाइफ का फैसला खुद ना ले पाए। आपको बहुत कंफ्यूज किया, आपके आत्मविश्वास को बहुत तोड़ने की कोशिश की है। जो भी इंसान है बहुत बुरे बिहेवियर के हैं गाइस, इन्हें खुद मतलब जैसे एक होता ना कि मुझे इस चीज का शौक है ना, मुझे उस बात का शौक है, मुझे इस चीज का शौक है, खुद को है, दूसरे लोगों को नहीं होता क्या? अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा बताते हैं लेकिन जहां दूसरों की इच्छाएं होती है ना, वहां पर उन इच्छाओं को मारना इनके लिए बहुत आसान होता है। पल भर नहीं लगता है उन इच्छाओं को मारने के लिए, खुद से दुख सहन नहीं होता लेकिन दूसरे को दुख देने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। आप में लॉयन वाली एनर्जी है गाइस, लेकिन ऐसे इंसान के बर्ताव की वजह से, ऐसे इंसान के दुख की वजह से आपकी एनर्जी जो है ना वो आप पहचान नहीं पाए। कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास का लेवल जो है ना वो डगमगाने लगा, आत्मविश्वास टूटने लगा, आप खुद में हीन समझने लगे। इन्होंने आप में वो कमियां ढूंढ ढूंढ कर लाकर दी जो कमियां आप में है ही नहीं। कहाँ से ये सच्चा मित्र हुआ, कहाँ से ये कोई आपके हितैषी हुए गाइस, है ही नहीं ये सच्चा मित्र। जहां पर आप में किसी प्रकार की कमियां नहीं थी वहां पर कमियां ढूंढ ढूंढ कर लाकर आपको दी। जहां आपके फैसले एक बार सुनने से पहले, आपके विचार सुनने से पहले पहले ही एक फैसला निर्धारित कर देना कि आपका तो फैसला ही गलत है, ये सोच बना लेना ये तो बहुत गलत है। मतलब केवल अकेले एक इंसान को जीने का अधिकार है, बाकी लोगों को कोई जीने का अधिकार नहीं है। ये किसी की लाइफ के साथ खेलना नहीं हुआ, किसी के साथ अन्याय करना नहीं हुआ, और बाद में ये कह देना कि नहीं विक्टिम कार्ड खेलना उल्टा। ईश्वर सब देखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां पर लाइफ का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी के, है ना। आपने अभी तक में बहुत अच्छे से समझा इस स्थिति को गाइस, बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या है क्या नहीं है। आपके कदम आगे बढ़ चुके हैं,
आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ, आप न्याय चाहते हो अपने साथ, और ये समय आपको स्ट्रांग बना रहा है गाइस। ये जितना भी आपको कमजोर करने की कोशिश करे, जितनी आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करे ना, उतना आपको बलशाली समय बनाएगा गाइस। यही जस्टिस है महाकाली का, कि ये लोग आपकी पावर को अभी तक नहीं जान पाए हैं। ये जितना कमजोर कर रहे हैं माँ काली ना, आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आकर ना आपको साहसी बना देंगे कि अपने लिए एक्शन लो गाइस। और माँ काली का जस्टिस आपके साथ होगा ही होगा। ये डेविल एनर्जी है गाइस, ये नकारात्मक एनर्जी है। इन्होंने जो भी कर्मा किए हैं ना आपके विरुद्ध में जाकर, जो भी फैसला लिया आपके विरुद्ध में जाकर, उसका उसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी गाइस। धोखे का जवाब धोखे से ही मिलता है ना, धोखे का जवाब धोखे से ही मिलता है, यही नियम है, समझ रहे हो ना। बहुत से झूठ बोले हैं आपके साथ, बहुत तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, खुद से सहन नहीं होता दर्द, लेकिन दूसरों को दर्द देने की कोशिश, ये दूसरों की बात इतनी भी नहीं सुनते, भले ये अगर आपसे छोटे भी है ना, तो ये दूसरों की बात नहीं सुनते, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन औरों को सुना देते हैं। मिसबिहेवियर बहुत ज्यादा करते हैं गाइस, ये किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते, ये बात है। और झूठ, हर एक बात में झूठ, झूठ और झूठ ही इनमें मिलता है। द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का कार्ड आया है, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। इनकी वजह से बीते समय में आपने बहुत बड़ा टावर मूवमेंट और मानसिक प्रताड़ना झेली है। जितना अंदर ही अंदर खुद से संघर्ष चला है ना, उतना कभी आपकी लाइफ में नहीं चला। ये कोई एक ऐसा इंसान है गाइस कि जिनके स्वार्थ के हत्थे, यूं कह लो कि आपकी लाइफ के 3-4 साल 5 साल चढ़े हैं, जहाँ पर 3-4 साल में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी है आपके हाल खराब करने में, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में। इनकी मंशाएं तो बहुत कुछ थी गाइस, कि ऐसा कर दो आपकी लाइफ में कि जिससे आप उभर ना पाओ कभी, और इनके काबू में रहो, ये अपनी लाइफ में खुश रहे लेकिन आप इनके काबू में रहो। ये मतलब एक नियंत्रण से बाहर नहीं आने देना चाहते, अपने अपने कंट्रोल से आपको बाहर नहीं आने देना चाहते, ताकि आप स्वतंत्र होकर लाइफ ना जी पाओ, आप अपने लाइफ के फैसले अपने दम पर ना ले पाओ। इस प्रकार का बिहेवियर इनका है। इनके कहने में और करने में रात और दिन का फर्क है। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब परिस्थितियां आकर पड़ती है ना, तब ये उस स्थिति में कहीं पर भी नहीं होते। उस स्थिति में अगर इनका स्वार्थ और आपका हित दोनों अगर सामने हो ना, ये स्वार्थ का चयन करने वाले इंसान है। एक तरफ रिश्ते हो, एक तरफ पैसा हो, ये पैसे का चयन करने वाले इंसान है। रिश्ते कोई मायने नहीं रखते इनके लिए। इनके लिए कभी भी आपने कितना भी कुछ किया होगा, लेकिन एक परिस्थिति आई ना इनके स्वार्थ वाली, ठीक है, वहां पर ये आपका इतने साल बरसों तक जो कुछ भी किया है ना, उस सबको बोल जाएंगे कि क्या क्या है आपने, इनके लिए क्या नहीं किया है। कहा ना, बीते समय में इनकी वजह से ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत चले हैं, आपने दर्द बहुत ज्यादा झेले हैं, और आपकी लाइफ में आया है ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है गाइस। देखो एक बात कहूँ, जो होना था, जो बिगड़ना था, वो बिगाड़ लिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने आपका नहीं बिगाड़ा है गाइस, दिख क्या रहा है, जैसे इन दिनों में मिरर एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिख रही होगी। दिख क्या रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इसका उल्टा है गाइस। इस सिचुएशन में इन्होंने जो भी फैसले लिए इनके विरुद्ध में जाएंगे, समझ रहे हो ना, और आपके लिए मालिक का न्याय चलेगा, माँ काली का न्याय चलेगा। उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया है, आपको अपने संरक्षण में ले लिया है, तो आपका बाल बाका नहीं होगा। उल्टा इस एनर्जी में आपकी ऊर्जा और प्रस्फुटित होकर बाहर आ रही है। बिगड़े हुए माहौल में आपका मानसिक संतुलन बनाए रहना, ये बड़ी बात है गाइस। खुद की एनर्जी को पहचान लेना और एक आगे बढ़ने की चेष्टा करना। एक दलदल से कोई इंसान बाहर आ रहा होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कितनी भरपूर नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो। साहस रखो मेरे शेर, मतलब किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो ना, ये ईश्वर जानता है, आप भी शायद उतना नहीं जानते कि कितने धोखे सहन किए। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा भुगतता है, आज नहीं तो कल कर्मों का हिसाब किताब होता ही है। इस जन्म में ही होता है गाइस, इस जन्म में ही होता है। जो हीरे को छोड़कर पत्थर की ओर भागता ना, वो पत्थर ही पत्थर से ही टकराता है।
आखिर में चोट उससे ही मिलती है उसको। आपके हर दर्द का निवारण होगा, हर दर्द का हल मिलेगा आपको। The chariot, four of wands, ten of cups, ten of pentacles, nine of cups, page of pentacles, knight of pentacles, the hierophant, the ये victory और ये ten of swords, ये लो है ना। देखो कितनी सारी नकारात्मकता को ना आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। कोई बहुत बड़ा स्वार्थ इनका आ गया है, कोई पैसों का मामला है या कोई निजी मामला जिसके चलते इन्होंने आपको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई है गाइस। ऐसी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करिए जिससे आप उभर ना पाओ, है ना। देखो पैसे पर भी इनकी आपके आपके लाइफ पर ना है गाइस। ये आपको मतलब इनको आपसे द्वेष भाव बहुत है। इनके व्यवहार को आप नोटिस करना कि इनको आपसे जलन बहुत है। अगर मान लो कोई आपकी तारीफ भी कर लेना, इनको अच्छा नहीं लगता, इनको बर्दाश्त नहीं होता। या सामने से बताएंगे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अंदर इनके चेहरे को देखकर ना पता चल जाता है कि कितना अच्छा फील हुआ कितना अच्छा फील नहीं हुआ है ना। ये आप पर भले एक बार कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां बाहर की दुनिया के लोग हैं या कोई और लोग है ना, वहां पर इनका कंट्रोल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। वहां लोगों के हारे सहारे ये रहते हैं गाइस, या लोगों के कंट्रोल में ये खुद रहते हैं। इनके इनका बस यही है कि जो इनसे कमजोर होते हैं या जो एक लहजा रख कर ना वापस इनको रिप्लाई नहीं देते या फिर इनको वापस रेस्पॉन्स नहीं देते ना, वहां पर ये अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। हित नहीं देखते गाइस। ये एक समय में बहुत बताया होगा इन्होंने कि ये निस्वार्थी है ना, इनमें स्वार्थ नहीं है। लेकिन कहा ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। परिस्थितियां जब बनती है ना, इवन बनी है, तब इनका रियल बिहेवियर सामने आया है। और जैसा ये समय कहता है गाइस, जैसा ये समय कहता है कि अभी के हाल ऐसे हैं कि जिसके जो व्यवहार है वो एक बार खुलकर सबके सामने आ जाए, जिसका जो बर्ताव है वो सबके सामने आ जाए एक बार। कि वाकई में जैसे ये कहता ना कि अगर लाइफ के लिए सही नहीं है तो ऐसे इंसानों का लाइफ से निकलना, या फिर आपका कोई एक्शन लेना, या फिर एक डिस्टेंस को क्रिएट करना। तो ये समय ना, ये माँ काली जो है ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। आप पर गुरु की कृपा बन रही है गाइस, आपको इनकी नकारात्मकता से बचाया जा रहा है, आपको फिनेंशियली सक्सेस दी जा रही है, आपको मेंटली पीस दी जा रही है। ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, हारना मत और थकना मत। क्या कह रही हूँ, इस सिचुएशन में हारना मत थकना मत, अंत में आपकी ही विक्ट्री होगी, आपको ही जस्टिस मिलेगा। ये मैंने क्यों कहा, माँ काली की कृपा आप पर है, उन्होंने आपके लिए एक्शन लिया है, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर है, आपके गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर है ना। विक्ट्री के साथ 10-10 का साइन आया है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का साइन आया है, और साथ में है जस्टिस। तो ये एक फेटेड जस्टिस, एक फेटेड जजमेंट के बारे में बात करता है जो माँ काली आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने आप पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र भी किया है, आपकी बुद्धि को भी बांधने की कोशिश की है, तो घबराओ मत, घबराओ मत, आपकी लाइफ को ये स्पॉइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परेशान मत हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, देखना, ठीक है। इनके जंजाल से निकलने का, इनकी नकारात्मकता से निकलने का सही समय आया है, ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स ले लूं, ओके। सॉरी, द मून, बहुत कुछ झूठ बोला है गाइस इन्होंने।
आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है कि ऐसे इंसान ने बहुत ज्यादा धोखे किए हैं, ये लॉयल नहीं है गाइस। आप अगर सोचो कि कभी स्थिति में ये आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके लाइफ में बन चुकी है जहां इनको लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाए या मिल चुकी है कि ये कोई भी स्थिति में आपके साथ खड़े होने वाले इंसान है भी या नहीं है। ऐसी आपके अंतरात्मा ने भी आपको कह दिया है और ये आपको इनके बिहेवियर से भी पता चल गया और आपको स्थितियों ने भी समझा दिया है ना। तो थोड़ा जस्टिस अपने आप पर करने की कोशिश करना। अब जो लोग ऐसे हैं ना, ऐसे लोगों पर अंधविश्वास मत करना ताकि लाइफ का एक समय भी, एक पल भी खराब ना हो आपका, है ना। इनकी सोच थोड़ी अलग है गाइस, समझ रहे हो ना। झूठ बोलने की आदत इनमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वो इंसान है गाइस जो अननेसेसरी कहते हैं ना, किसी इंसान की लाइफ में चिंताओं को भरना, बेवजह की चिंताओं को भरना, बेतुक की बातें करना, समझदारी वाला बिहेवियर नहीं है गाइस इनमें। इनकी वजह से जो सैडनेस आपको मिली है, जो दुख मिला है ना, उसके बारे में माँ काली कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। वो इस पास्ट से और इस दुख से, जो दुख इन्होंने आपको दिया है ना, उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे, है ना। क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं गाय, जो कोई इंसान यही नहीं देखता कि कभी किसी के घाव भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता गाय। चाहे कभी होता है ना कि किसी के लिए कुछ भी कर लो, प्राण तक में बात लेकर आ जाओ, पर किसी को नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। सच में कुछ लोग वाकई में पत्थर दिल होते हैं जिन्हें लगाव का, प्यार का एहसास नहीं होता, है ना। तो वहां पर अपने इमोशंस का ना एक कतरा भी खाली नहीं होने दो, नहीं होने दो, अपने इमोशंस को बचाए रखो। तो जो भी सैडनेस इनके वजह से, जो भी दुख इनकी वजह से मिले हैं ना, उनको माँ काली किस प्रकार से हील करते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ा कर, आपको जस्टिस देकर। क्योंकि जैसा कहा ना गाइस, धोखा दिया है तो धोखे का जवाब इनको धोखे से तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपके लिए क्या क्या कहा गया, आपके लिए क्या कहा गया कि माँ काली आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लेकर आने के लिए। कहा ना, देखो मैं खुद भी थोड़ी इमोशनल होने लग गई, सच में रीडिंग कभी कभी ऐसे आती है ना, बर्दाश्त नहीं होता गाइस, बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है किसी के इमोशन, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, हद से ज्यादा किसी इंसान का इमोशनल होना और आक्रामक, आक्रामक मतलब गुस्से का तेज होना। मन का साफ इंसान है, मतलब जैसे मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि हद से ज्यादा इमोशनल होना और मन के साफ होने वाले, स्पष्टवादी होने वाले इंसान, मन में किसी प्रकार का कोई मैल भाव नहीं, और इतना लगाव देने के बाद में अगर किसी के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया जाता है ना, एक बात कहूंगा इस, एक समय के लिए टूटता है कोई इंसान, और वो जब वापस से अपने इमोशंस को इकट्ठा करना करके ना खड़ा होता है ना, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर ऐसे लोग उन्हें वापस कभी जीत नहीं सकते, है ना। वो हार चुके होते हैं उनके प्यार से, वो कभी उन्हें वापस नहीं पा सकते और ना कभी पाएंगे, है ना। आपके लिए माँ काली क्या कर रहे हैं, आपके चैलेंजेस को खत्म कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सिचुएशन को लेकर या किन्हीं परिस्थितियों को लेकर, या भ्रम में आप रह रहे थे, उन भ्रम को दूर किया जा रहा है ना। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो आवश्यकता आप तक पहुंचाना, आपके लिए सक्सेस का बड़ा टाइम आया है गाइस। इस स्थिति से अपना ध्यान हटा लो, जो हो गया, जो जिसने जो करना था कर लिया ना, है ना। अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर लेना, आप ईश्वर के पावर पर बिलीव रखो। देखो यहाँ पर झूठ, यहाँ पर सत्य, यहाँ पर अंधकार, यहाँ पर उजाला, यहाँ पर रात और यहाँ पर दिन की बात हो रही है, और बीच में कहा जा रहा है माँ काली का साथ, जो इस परिस्थिति से आपको निकाल देंगे और इस अच्छी सिचुएशन में आपको लेकर आएंगे, मैजिकल मूवमेंट में आपको लेकर आएंगे, ब्रिलियंट
अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप पास्ट को पूरी तरीके से भूल पाओगे और डिवाइन को, यूनिवर्स को, मालिक को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। कुछ चीज़ें आपके भाग्य में लिख दी गई है, अच्छा होना आपके भाग्य में लिख दिया गया है, वो अच्छा होकर रहेगा। सक्सेस आपको मिलकर रहेगी, आपके चेहरे पर फिर से आपके दिल की मुस्कान आकर रहेगी। सो मच टू सेलिब्रेट, कुछ बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हो गाइस, तो ये छूटा है ना, इसकी परवाह मत करो, इसकी परवाह मत करो। लाइफ आपको बहुत कुछ और बहुत बड़ा देने वाली है। थोड़े मालिक की स्ट्रेटेजी पर बिलीव रखो, वो आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छीना है तो वापस देंगे नहीं वो आपको, या ऐसी परिस्थिति में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखो कितना असहाय करने वाला, कंपटीशन बहुत ज्यादा, ईर्ष्या भाव बहुत ज्यादा है आपसे, बहुत ज्यादा दुखी करके हंसने वाले इंसान, कि अपने सुख के लिए किसी को कितना भी दुखी कर लो क्या फर्क पड़ता है, दिल थोड़े ना किसी के अंदर है ना, कोई परेशान हो तो हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से इनको, कि किसी किस किसी के इमोशंस पर कितना गहरा आघात लग रहा है। हंसते हैं बस कि लोगों को तकलीफ पहुंचा दे, अपनी मनमानी कर ली। ईश्वर का जब जवाब आएगा ना इनको, तब पता चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लिए एक लंबी प्लानिंग करो गाइस, अपने फ्यूचर के लिए एक लंबी प्लानिंग करो, है ना। अभी बस अपने बारे में सोचो, यहाँ पर रीडिंग यही कह रही है कि अभी के हाल ये हैं कि अभी आप फिलहाल अपने बारे में सोचो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने करियर पर फोकस करो, अपने सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ो। अभी इस स्थिति में स्टक होकर मत रहो गाइस, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप चाहो तो इस सिचुएशन से भाग सकते हो या फिर इसमें भाग ले सकते हो। अभी इस सिचुएशन में आपका दिमाग और ज़्यादा चलेगा, तो उसका इस्तेमाल करो, उसका यूज़ करो, अपनी बुद्धि का यूज़ करो गाइस। इसी सिचुएशन में आपको बहुत बड़ा समस्या का समाधान मिलेगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है। माँ काली इस स्थिति से आपको बाहर लेकर आएंगे, और इसी स्थिति से आपका कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो देखना। द मून की एनर्जी से द सन की एनर्जी में आ रहे हो गाइस, है ना। प्रॉब्लम बहुत बड़े स्तर पर खत्म हो रही है, ठीक है। परेशान नहीं होना, कुछ लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं गाइस। यक ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसके बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं ना, तभी हम एहसास कर पाते हैं कि क्या लाइफ में चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। अभी आप बोल्ड बनो, एम्बिशियस हो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, ठीक है। हर कदम पर मालिक आपका सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, एक नहीं दो दो जो है यहाँ पर डिवाइन टाइम के बारे में, आपकी सक्सेस और आपकी खुशी को लेकर जो एक वेटिंग गेम चल रहा था ना गाइस, जो एक टाइम का एक खेल चल रहा था ना, वो खेल कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो एक साथ कई सारी सिचुएशन में आपके साथ न्याय होते हुए नज़र आ रहा है, और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, सक्सेस पाते हुए और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हो। माँ काली आपका एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर आपको आपकी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से आपको फ्रीडम मिल जाए, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपनी लाइफ के फैसले आप खुद ले पाओ, आपकी लाइफ में खुशी आ पाए, जहाँ पर कोई भी उसमें रोड़ा रुकावट ना बने, है ना। और आपको वो तमाम खुशियाँ मिल जाए जो आप चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, और आपकी इमोशंस का एक कतरा भी बुरी जगह पर ना जाए, और द हाई प्रिस्टर्स की एनर्जी में आप आ जाओ, जहाँ पर इमोशंस को लेकर किसी प्रकार का लॉस का सामना आपको ना करना पड़े। जो जो चीज़ें आपने लिख लिख कर मैनिफेस्ट की है, वो सब आपकी साकार हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपकी काम बने, है ना। आपको कोई दुख पहुंचाने का, कोई हर्ट करने की कोशिश ना कर पाए, आपको दुखी और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पावर को पहचानने की कोशिश करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो गाइस। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूँ कि ये कौन इंसान है जिनको लेकर माँ काली आपके साथ बहुत बड़ा इंसाफ करने वाले और इनका खेल खत्म कर रहे हैं।
नंबर 13 क्यू आई सॉरी आई नंबर 26 एस नंबर 1 डी नंबर 6 टी सॉरी टी नंबर 4 नंबर 21 नंबर 2 15 एल 27 यू एम ओ पी आर एन। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी, इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी लाइफ में विशेष महत्व रखती है, या तो इनकी बर्थ डेट हो सकती है या कुछ विशेष महत्व इनकी लाइफ में ये डेट रखती ही रखती है। डाइस के आधार पर भी देख लेते हैं कि इनको लेकर क्या जजमेंट आ रहा है आपके लिए। देखो गाइस, इनकी नकारात्मकता के विरुद्ध आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, माँ काली का मिरेकल आपके लिए हो रहा है। ये परफेक्ट टाइमिंग है गाइस, जहाँ पर जस्टिस इस प्रकार का हो कि देखने वाले देखे कि किसी की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध मालिक का न्याय आता ही आता है, मालिक की लाठी चलती ही चलती है ना। तो ऐसे सारे झूठ को, ऐसे सारे धोखों का जवाब ईश्वर बहुत अच्छे से देने जा रहे हैं। आपके मन को शांत करके, आपके मन को सुकून मिले, ऐसा बड़ा जस्टिस, ऐसा बड़ा न्याय आपके साथ होगा गाइस, है ना। आपका दिल खुश हो जाएगा कि किस प्रकार का न्याय मेरे साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, आपकी हर एक बात पर नज़र रहती है इनकी। आपकी कामकाज को लेकर हो गया, आपके रिश्ते नातों को लेकर हो गया, आपका किसी और के साथ तालमेल जा रहा है उस पर, मतलब आपकी छोटी छोटी बात पर। जैसा कहा ना कि ये वो इंसान है, मुझे सुख की कामना है, लेकिन कि कोई और सुखी कैसे रह जाए, है ना। दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, लेकिन खुद की लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देना है। दूसरों को सुना देना, लेकिन खुद किसी के नहीं सुनना है। ये वो इंसान है गाइस, जिद्दी एक नंबर के, स्वार्थी एक नंबर के, ईगो इनमें कूट कूट कर भरा है, और रिश्तों की वैल्यू इनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। कोई इनके लिए कुछ भी कर ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को समझने संवरने का, सेल्फी लेने का, बहुत इस तरीके का बिहेवियर है गाइस इनका। दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचने वाला, खुद पर पैसा खर्च करने वाले, है ना, खुद के शौक पर पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पैसा खर्च करने वाले इंसान नहीं है। अगर ये कोई बाहर के इंसान है, कोई वर्क प्लेस पर भी है ना, तब भी देख लेना, ये अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार इंसान नहीं है। ये देखो, इनको कोल्ड चीज़ें, आइसक्रीम खाना, या फिर मतलब जैसे कोल्ड चीज़ों का शौक बहुत ज़्यादा होगा गाइस, ये देखोगे आप इनमें, है ना। आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आइसक्रीम का शौक है ना। जब देखो ना, इनके हाथ में मतलब मोबाइल रहेगा, या फिर मतलब इसी तरीके का शौक है गाइस, ज़्यादा मनोरंजन वाले, मनोरंजन में टाइम व्यतीत करना, है ना, टीवी देखना या फिर मोबाइल ज़्यादा चलाना, मतलब इसी तरीके के। कहा ना कि थोड़े जिम्मेदार कम है गाइस, जिम्मेदार नहीं है तो दूसरी चीज़ों पर इनका ध्यान ही नहीं जाता, दूसरों के बारे में सोचने पर इनका ध्यान नहीं जाता। हो सकता है मोबाइल चलाने की आदत बहुत ज़्यादा है, एनी टाइम इनके हाथ में मोबाइल ही रहता है, शायद 24 आवर्स भी कम पड़ जाए। बहुत बुरी तरीके से बात करने की आदत है, इस तरीके से किसी इंसान से बात करते हैं कि जहाँ पर एक ही बार में किसी इंसान की, कहते ना कि चुप्पी हो जाना, चुप्पी धारण करके बैठ जाए कोई इंसान, एक ही बार में इस तरीके से उन्हें निशब्द कर देना, इस प्रकार से बात करना, इस प्रकार से उनकी बातों को कटाक्ष करना, मतलब तीर की तरह कभी कभी बातें होती हैं ना कि तप्पड़ मारने से भी गहरी होती है, जिसके निशान नहीं जाते, जिसकी गूंज नहीं जाती, इनके शब्द वही काम करते हैं। इनके शब्द भी अन्याय की ऊर्जा है, यह हकीकत है। और यही बात होगी कि आप ऐसे इंसान से, चाहे ये कहीं कोई भी इंसान होगा, इस पास पड़ोस का हो, कोई दूर के रिश्तेदार का हो, कोई भी हो, इनसे बात करने में आप कतराते हो, कि अपमान करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता ये इंसान, अपने मान सम्मान की बहुत परवाह, अपनी इमेज की बहुत परवाह है,
आपकी इमेज से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा पुण्यवादी बताते हैं या थोड़ा शो करते हैं गाइस ये, कि लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। डबल पर्सनैलिटी है कि बाहर ये जताने की कोशिश करते एक बहुत अच्छे इंसान है, सबकी परवाह करते हैं, निस्वार्थ हैं। हकीकत में जब देखा जाए ना, इनसे बड़ा स्वार्थ इंसान और कोई नहीं। वाटर साइन हो सकते हैं या फिर कल्पना में बहुत उड़ने वाले इंसान है ना। यथार्थता के धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं ये, है ना जी। तो बहुत सारी डिटेल्स आई है जिनसे आपको पता चले कि ये कौन इंसान है जो आपके दुख का कारण बन रहा है, और इनकी वजह से आपकी कितनी लाइफ खराब हुई है, और कितने आपकी लाइफ का समय खराब हुआ है, जिसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स आई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कौन इंसान है, और जिनको लेकर माँ काली आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। अब इनकी वजह से आपकी लाइफ का एक पल भी, एक समय भी खराब नहीं होगा। माँ काली पर बिलीव रखना, आप उनके संरक्षण में हो तो आपको नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। जो गाइडेंस आपके लिए आई है उसका ख्याल रखना, कि माँ काली पर बिलीव करके आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करना। इनकी गतिविधियों की वजह से आपका काम पर से फोकस हटता है, उसे होने नहीं देना है। अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, कभी भी इनके स्वार्थ में आने की या इनके गलत बात पर घुटने टेकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही गलत की समझ आपको भी है, तो उस समझ को ध्यान में रखना लाइफ का कोई भी फैसला लेते हुए, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।